और इस lecture के अंदर हम VS Code को करने वाले हैं और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन uh, देखने वाले हैं लेक्चर नंबर फाइव के अंदर हमने वी एस कोड का ब्रीफ ओवरव्यू uh, लिया था और हमने देखा था कि एक्सटेंशन क्या होती हैं वी एस कोड के अंदर कौन से ऑटो डाउनलोडेबल फीचर्स मौजूद होते हैं like और इंटेलिजेंस और हमने देखा था कि एक्सटेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर के अंदर हम हल्का बुल्का रिवीजन करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे और वी कोड को डाउनलोड करेंगे और इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन के साथ डील करेंगे तो इस लेक्चर के अगर एजेंडा की बात करें तो इसके अंदर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि एक्सटेंशन क्या होती है लेक्चर नंबर फाइव के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं हम वी कोड को इंस्टॉल करेंगे और वी कोड का इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे फॉर वेब डेवलपमेंट तो आइए जी आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वी एस जो होता है हमारा वो एक सोर्स कोड एडिटर होता है मतलब वो एक टेक्स्ट एडिटर है हमारा जिसको तो माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया था और रिलीज किया था इन द ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन वी एस कोड के बारे में हम जानते हैं कि हाईली फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है हाईली एडजस्टेबल सॉफ्टवेयर है और ये हमें सूटेबल और फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट और कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि हम इसके अंदर अपना सोर्स कोड लिख सकें और इसके अंदर बहुत सारे ऑटो डाउनलोडेबल कन्वीनियंस फीचर हैं मतलब जो वी एस कोड के सेटअप के साथ डाउनलोड हो जाते हैं जैसे कि हमने एमिट का कॉन्सेप्ट देखा था बॉयलर प्लेट जनरेट करता था और ऑटो कंप्लीशन का फीचर जो होता है हमें एमिट प्रोवाइड करता है और उसके अलावा हमने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट देखा था वी एस कोड में जो हमें ऑटो सजेशन दे रहा होता है तो ये एमेट और इंटेलिजेंस टूल्स हैं बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं जो वीएस कोड के अंदर मौजूद होते हैं अच्छा इसके अलावा हमने देखा था कि वीएस कोड जहां उसके अंदर ऑटो डाउनलोडेबल फीचर्स मौजूद हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हम वीएस कोड के अंदर डाउनलोड uh, कर सकते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड है और अपनी मर्जी का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं except the auto downloadable features we can also download many other features in vs code according to our need and make the coding environment more flexible easy attractive and faster so her developer apni requirement ke hisab se uske andar aur features download kar sakta hai and these downloadable features these downloadable softwares are called extensions तो so, ये concept हम पीछे भी देख चुके थे इधर भी हमने revise किया और फिर हमने देखा कि दो तरह की extensions होती हैं जो अभी हम आगे देखने वाले हैं Since we know that VS Code is a source uh, code editor and we adjust our environment according to our need.

Achha. For example, a software developer can work on any language to make its application. Like a Python developer works on Python, a cross platform mobile app developer may work on Flutter or React Native. So, mobile app developer working on Flutter or React Native. This a web developer works on JavaScript, React, Node, etc. So, a developer can adjust the environment of the Visual Studio Code according to uh, its need, according to his need and the language. ज बाई डेट ही डिफरेंट एक्सटेंशन तो वी एस कोड एक हाईली फ्लेक्सीबल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है आप इसके अंदर जहां ऑटो डाउनलोडेबल टूल्स मौजूद है वहीं आप अपनी आसानी के लिए बहुत सारे टूल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डाउनलोड दी एस कोड एंड सेटिंग अवर एनवायरमेंट फॉर द बेसिक वेब डेवलपमेंट अब मैंने आपको बताया कि हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम जो वी एस कोड का एनवायरमेंट सेट करेंगे वो वेब डेवलपमेंट के लिहाज सेट uh, करेंगे यानी कि हम ऐसी एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जो हमें हेल्प आउट करेंगे एच टी एमएसएस और जावा स्क्रिप्ट लिखने में राइट नाउ वी आर डाउनलोडिंग वी आर डीलिंग विद ओनली नाइन बेसिक एक्सटेंशन ऑफ दी एस कोड बट लेटर वेन वी मूव टू द एडवांस लेवल वी विल डाउनलोड मोर एक्सटेंशन एज वी मूव टू हायर लेवल तो जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो मजीद एक्सटेंशन के साथ डील करेंगे लेकिन अभी हम बेसिक एनवायरमेंट सेट कर देंगे इतना एनवायरमेंट सेट कर देंगे कि बेसिक एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट हम लर्न कर सकें हमने देखा था कि एक्सटेंशन वो फीचर्स हैं जो आपके एनवायरमेंट को कन्वीनिएंट बनाने के लिए आप डाउनलोड करते हैं और ये ऑटो डाउनलोडेबल फीचर्स में ऐड uh, शामिल नहीं है ऑटो डाउनलोडेबल फीचर्स भी हमने देखे थे एमिटो इंटेलिजेंस अब बात करते हैं एक्सटेंशन की जिनको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा अपने वर्किंग एनवायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए अच्छा अब अगर एक्सटेंशन की बात की जाए तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दो टाइप्स की होती एक तो वो एक्सटेंशन होती हैं वो सॉफ्टवेयर इजी बाय प्रोवाइडिंग विजुअल फीचर्स विजुअल एक्सटेंशन का सिर्फ और सिर्फ आपके विजुअल से होता है ये आपके कोडिंग एनवायरमेंट को खूबसूरत बनाते हैं यह आपके कोडिंग एनवायरमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं और फिर आपको याद है कि आपका सोर्स कोड आपने लिख दिया लेकिन वो दूसरे डेवलपर्स को भी रीड करना पड़ सकता है तो दूसरे डेवलपर्स जब रीड करेंगे तो कलर्ड फीचर्स जो बी कोड के हैं जो हम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे वो उनको इजी वे प्रोवाइड करेंगे उनके लिए आसानी पैदा करेंगे कि तुम इस सोर्स कोड को रीड कर लो तो इस वजह से भी विजुअल एक्सटेंशन बहुत जरूरी होती है इसको अभी देखेंगे इनका कॉन्सेप्ट जब हम इनको डाउनलोड करेंगे और इनका इफेक्ट जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में अः बाजाहिर ऑब्जर्व करेंगे बजाते खुद तो हमें इसका और इंपॉर्टेंस क्लियर होगी इसके अलावा हमारे पास फंक्शनल एक्सटेंशन होती है फंक्शनल एक्सटेंशन जाहिर सी बात है नाम से ज्यादा है ये विजुअल एक्सटेंशन से बिल्कुल डिफरेंट है ये आपके कोडिंग एनवायरमेंट को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफाई करने के लिए यूज नहीं होंगी ये आपको एडवांस फंक्शंस प्रोवाइड करेंगी एडिशनल फंक्शंस प्रोवाइड करेंगी कि आपका कोडिंग एनवायरमेंट फास्ट हो सके आपका कोडिंग एनवायरमेंट जो है वो एफिशिएंट हो सके तो दीज एक्सटेंशन एड एडवांस फंक्शन टू योर कोडिंग एनवायरमेंट एंड मेक योर कोडिंग एनवायरमेंट मोर फंक्शनल

तो दो तरह की एक्सटेंशन के साथ हम डील करने वाले हैं। तो आइए जी सबसे पहले जो है हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेते हैं आपने क्या करना है अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है आपने, अपना वेब ब्राउजर किया। और आपने लिखना है यहां पे विजुअल स्टूडियो कोड विजुअल स्टूडियो कोड आपने ओपन करना है पहला ही लिंक आपके सामने हो जाएगा विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम का आपने इस पर क्लिक करना है जब आप इसको क्लिक करके खोलेंगे तो आप देखेंगे कि डाउनलोड फॉर विंडोज का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अगर आप विंडोज यूजर हैं तो जाहिर सी बात आप विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एप्पल यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं तो सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं इधर आपने क्लिक किया खुद ब खुद आपका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा तो ये आप देख रहे हैं कि आपका सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट एम बी का सॉफ्टवेयर है जो कि डाउनलोड हो रहा है मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और जब सेटअप डाउनलोड हो जाता है तो वापसी इसको कंटिन्यू करते हैं अच्छा जी तो वापसी आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेटअप जो है वो डाउनलोड हो चुका है तो उसको फोल्डर में खोल लेते हैं और अगर इस सेटअप की एक्सटेंशन आप देखें तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है डॉट ई फाइल है खैर इस बहस में आगे इस बहस में हम दोबारा नहीं जाएंगे हम इसको वो करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं इस फाइल को अच्छा रन पे क्लिक करते हैं रन करते हैं इसको और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यस सी में बाय डिफॉल्ट इसको जो इसका वो पाता है वो रखते हैं ठीक है नेक्स्ट अच्छा क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन और ओपन विद कोड का ऑप्शन ठीक है ये सारी आपने इस पर सब पे चेक मार्क कर देना है आगे बढ़ते हैं और ये हमारा वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम्स के अंदर हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले तो अगर आपका प्रोसेसर स्लो है तो या आपका प्रोसेसर में हो, हो सकता है बहुत जबरदस्त प्रोसेसर हो आपका जो हो रैम आपकी ज्यादा हो तो हो सकता है ये जल्दी इंस्टॉल हो जाए किसी के लैपटॉप में किसी के पीसी में हो के हो सकता है कि ये टाइम लगाए तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है तो ये हमारा वीएस कोड

तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन देखेंगे और उनको डाउनलोड करेंगे तो मिलते हैं लेक्चर नंबर सिक्स के पार्ट बी के अंदर थैंक यू